हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड मैं अभी यहां पे बना रही हूं आज कटलेट्स, तो उसमें मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूं, जिसमें मैंने यहां पे आलू लिया है एंड ब्रेड क्रम्स, ब्रेड को पीस करके इसमें डाला है, हरी धनिया, नमक, मिर्च, खटाई पाउडर और अमचूर पाउडर डाल करके हरी मिर्च भी डाल दी है। उसके बाद मैं ना बीच की क्लिप जो है वो पता नहीं कहाँ मिस हो गई, और फिर मैंने इसको छोटे छोटे रोल करके डीप फ्राई किया था। एंड फिर यहाँ पे मिस्टर वर्मा के फ्रेंड आए थे उनको बर्थडे सरप्राइज़ देने के लिए। बर्थडे तो खैर निकल गया है, बट लास्ट जो था उस टाइम में जो हमारे ये फ्रेंड्स हैं वो नहीं आ पाए थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ही क्लिप रिकॉर्ड करी थी। सब बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे एंड यहाँ पे मिस्टर वर्मा मुझे केक भी खिला रहे थे, सो थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो ये उस दिन की सिर्फ इतनी ही क्लिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अभी ये नेक्स्ट डे की क्लिप हो गई है। यहाँ पर मैं पीहू के स्कूल बैग को वॉश कर रही थी, बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया था, सो मैंने इसको अच्छे से इसमें लिक्विड सर्फ डाल करके वॉश करने के लिए रख दिया था और पीहू को दे दिया है इसको बाहर धूप पे डालने के लिए। एंड मैंने वर्मा जी का भी बैग इसमें डाल दिया था वॉश करने को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी मैं आपको अपने कुछ बढ़िया बढ़िया से प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया है। एक सेकेंड, फोन मैंने सेट कर दिया है। और अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी अच्छी डील्स चलती रहती हैं एंड अभी एक बहुत ही अच्छी डील आ रही है। तो अमेज़ॉन मेगा फैशन डे सेल स्टार्ट हो रही है 10 से 14 मार्च तक, तो बिल्कुल मिस आउट मत करिए। 70% ऑफ है आपके टॉप फैशन ब्यूटी प्रोडक्ट पर। एंड अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आप एक्स्ट्रा 10% ऑफ ले सकते हैं। अमेजोन पे कैश बैलेंस अप टू INR 500, मिनिमम ऑर्डर ऑफ INR 3000 फ्रॉम फुटवेयर, लग्जरी, ब्यूटी, ज्वेलरी एंड एक्सक्लूसिव गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन पर, जिसमें कि आप अपने फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने होली पे एक ड्रेस पहना था, ब्लैक कलर का, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कुर्ता सेट था, दुपट्टा विद प्लाजो दुपट्टा सेट, जो कि वो ये है। तो ये कैसा लग रहा है मेरे ऊपर वो आप लोगों ने होली पे देखा था एंड आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि ये आपने कहाँ से लिया है, कैसे लिया है। तो मैंने आपको ये देखिए लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड माय हॉल स्टोर की भी लिंक दे दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे फेवरेट प्रोडक्ट कौन से हैं, क्या हैं, वो सारे आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। एंड इसमें मैचिंग ईयरिंग्स अगर आपको पहननी है तो ये आप बहुत ही ब्यूटीफुल सी पर्ल वाली ये कान में पहन सकते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे रानी कलर का, मैजेंटा कलर का स्टोन भी लगा हुआ है, ये देखिए। तो ये एक सेकेंड, ये है, तो ये हो गया मेरा सेकेंड प्रोडक्ट। एंड इसके बाद मैं अगर इसी के मैचिंग की और बात करूँ, इसमें आप किस तरह से इसको एक्सेसरीज कर सकते हैं, तो वो ये है कि आजकल ना जंक ज्वेलरी बहुत चल रही है, सो ये इस तरह से आप ये परचेज कर सकते हैं ब्लैक कलर में। ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत चलती है, वाइट कलर में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत चलती है। होली पे, कोई भी फेस्टिवल पे आप इस तरह से अगर इसको रखते हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। एंड ये ना बहुत ही लाइट वेट है, इसके साथ कान के भी मिलते हैं एंड चोकर सेट भी मिलता है इसका, जो कि बहुत ही लाइट वेट है पर पहनने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये हो गया। एंड अच्छा, मैंने जो ये सूट पहना था इसमें मैंने एक लिपस्टिक लगाई थी जो कि मैजेंटा कलर की थी, वो थी न्यूड ब्रांड की एंड उसका जो शेड था वो था 31, जो कि इस तरह की पैकेजिंग में आता है। एंड ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे आपको लिपस्टिक मिलती है, ये यहाँ पे आपको एक ग्लॉस मिलता है, क्योंकि ये मैट लिपस्टिक है तो बहुत ज़्यादा आपके अगर वो ड्राई होते हैं, मैट होते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल शेड है, आप देख सकते हैं मेरे लिप्स पे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है एंड मैजेंटा कलर तो आपके पास होना ही चाहिए। तो अभी न्यूड ने न्यूली लॉन्च किया है जो कि मैंने परचेज किया है, सो ये हो गया। इसके बाद आप लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा फेस वॉश अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, बहुत ऑयली चिपचिपी आपकी स्किन हो जाती है, ड्राई रहती है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ हनी मलाई फेस वॉश, जो कि रिसेंट मैंने अभी इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया है, 15 डेज हो चुके हैं एंड ये मेरा फेवरेट वन हो गया है। सो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये हो गया है। इसके बाद मैं आपसे गर्मियों की बात करूँ, क्योंकि
गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में कौन सा नेक पीस पहनना चाहिए, हम लोग लाइट लाइट ड्रेस तो पहन लेते हैं बट उसको कैसे एक्सेस ब्यूटीफुल कर सकते हैं अपनी ड्रेस को, बीच वेयर अगर आप पहनते हैं बीच में जाते हैं तो इस तरह के नेक पीस जो है वो, क्योंकि हमारे जो गले होते हैं वो थोड़े ब्रॉड होते हैं ड्रेस के, तो इस तरह से आप नेक पीस पहन सकते हैं, ये देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और माय हॉल स्टोर की भी लिंक रहेगी, जिसको बिल्कुल आप भूलिएगा मत। एंड जो ये मेगा फैशन अपडेट सेल आ रही है इसको बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा, जो कि 10 से 14 तारीख तक होने वाली है। सो जरूर इस सेल का फायदा उठाइए एंड अपने मन चाहे प्रोडक्ट अमेजोन से परचेज करिए। तो चलो अभी बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। ओके, तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में अपना डिनर तैयार करने के लिए। आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ काजू पनीर की सब्जी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है एंड थोड़े से कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता एंड लौंग। और फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ एक टमाटर लिया है, साथ में मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं जिसको रफली चॉप करके हल्का सा नमक डाल करके इसको हम भून लेंगे। और मैंने ना काजू भिगो करके रख दिया है ग्रेवी में डालने के लिए, जिससे कि वो वाइट ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये काजू पनीर के लिए मैंने काजू भिगो के रखे हैं, आप चाहें तो आप और भी ज़्यादा काजू वगैरह डाल सकते हैं बट हम दो लोगों के लिए, तीन लोगों के लिए इतनी जो सब्ज़ी है वो काफ़ी सफिशियंट होती है। इसलिए इतनी सब्ज़ी बनाने के बाद भी ना ये बच गई थी सब्ज़ी, तो नेक्स्ट डे फिर मैंने उसको खाया। तो मैं ना क्या करती हूँ, मैं इतना खाना नहीं बनाती क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से खाना पड़े बासी खाना। सो इसलिए बासी इन द सेंस उसको बासी नहीं बोलेंगे बट इतना बनाओ कि रात में ही खा के ख़त्म हो जाए, रात फिर दिन में बनाओ फिर उसको रखो ऐसा। तो बस वही है एंड मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ। शाम का टाइम है, अभी हल्का सा अंधेरा नहीं हुआ है क्योंकि मैं ना 6:30-7 बजे खाना बनाना शुरू कर देती हूँ एंड आजकल अंधेरा थोड़ा देर से ही होता है। तो धीमी आंच में मैंने पका लिया था, उसके बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो गया था मेरा ये मसाला तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। एकदम फाइनली चॉप कर लेना है आपको अपने मसाले को और उसको हमें अच्छे से पीस करके फिर थोड़ा सा घी या ऑयल, जो भी आप कुकिंग ऑयल डालते हैं, कढ़ाई में डाल करके उसको अच्छे से हमें भूनना होगा। फिर ना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी टमाटर प्याज जो है वो भून चुका होता है। और आज ना बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मन बहुत उदास उदास सा है। कभी कभी ऐसा दिन, जैसे दिन से ऐसे होते हैं ना, कभी अच्छा नहीं लगता है, एकदम सैड सैड सा फील होता है बट क्या कर सकते हैं, खाना बनाना होता है, मन को चीयर अप करना होता है, वो सब तो लगा ही रहता है। आप लोग के साथ भी होता है क्या कि कभी कभी मन एकदम अजीब सा हो जाता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी से बोलना, बात करना, चुप चुप रहना? अगर होता है तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑयल में देगी लाल मिर्च जो कलर वाली होती है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, उसके बाद ये वाला बैटर डाल दिया मसाला एंड फिर यहाँ पे कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी आप साथ पहले ऑयल में भी डाल सकते हो बट मैंने यहाँ पे ग्रेवी डालने के बाद डाला है। अब हमें इसको बहुत अच्छे से भूनना होगा और बीच में मैंने थोड़ा सा देसी घी भी डाला था, आप चाहें तो मलाई डाल सकते हैं और इसमें आप काजू फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मतलब काजू पनीर है ना इसलिए मैंने नहीं डाला था, आप चाहें तो आप डाल दीजिए। लेकिन आप ग्रेवी का कलर देखिए, वाइटिश वाइटिश कलर है एंड काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मैंने हल्का सा यहाँ पे चीनी डाली थी एंड गैस को सिम करके पका लिया था। हल्की स्वीट ये काजू पनीर की सब्जी होती है। सो हमारा उसके बाद डिनर वगैरह हो गया था। ओके गाइस, वेलकम बैक एंड अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मिस्टर वर्मा की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बिल्कुल ठीक आई हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड टेस्ट भी उन्होंने करवाया था, आपने देखा,
और फिर उसके बाद जाकर के एक्सरे भी करवा लिए थे, क्योंकि फिर से एक दो दिन में ना पेन होने लगा था बैक में। तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं निकली है, ये अच्छी बात है। बट ये है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जिम वगैरह जाते हैं या फिर भारी सामान वहाँ पे उठाते हैं, लिफ्टिंग वगैरह, वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, डॉक्टर ने भी ऐसा बोला है। एंड कुछ मेडिसिन है जो दिया है उन्होंने खाने के लिए, वो चल रही है। आज मैंने हेयर वॉश किया है तो अच्छा हो रहा है बाल मेरा। और अब इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ मैं। एंड बिल्कुल भी सेल मिस आउट मत करिएगा, ज़रूर चेकआउट करिए, लिंक सारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी और अच्छे अच्छे ऑफर्स भी, तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए एंड अच्छी अच्छी शॉपिंग करिए। सेल में शॉपिंग करना तो सबको अच्छा लगता है ना, पैसे जब बच रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है। तो यही है, तो चलो अभी मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, ये थोड़ा सा मैंने लंच का रिकॉर्ड कर लिया था यहाँ पे। मैंने आज लंच में बनाया था आलू पराठा, साथ में दही चटनी एंड अचार था, जो कि आज का लंच है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। चलिए यहाँ पे व्लॉग फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ कल, बाय बाय, टेक केयर।